बोला देखना भी है, शादी की मक्खी नहीं लगी और मैं इसकी ऐसी तैसी मार के छोड़ूंगा, दिखाऊंगा वैज्ञानिक कौन है यहां पर, पढ़ा लिखा कौन है। बोले ठीक है भाई, तू करके दिखा दे। अब सब यू करके आगे हो गए और कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब उन्होंने धीरे से मुट्ठी खोल दी, चंद सेकंड के लिए तो मक्खी रही वहीं पर, उसको यूं वही उड़ गई, साथ ही मांगता भाई गलती हो गई, मैं हार गया। उनने बोला पागल आदमी, मकसद बता, तेरा मकसद क्या था, तूने इतना टाइम खराब कर दिया। बोले सब कुछ बताऊंगा, पहले इसको बोले मुझे माफ कर दे, मैं ऐसे आगे उड़ के माफी मांग रहा हूं। इनने भी दूर से बोला अरे माफ कर दिया, चल जान छोड़ दिया। वो जवाब दुनिया का अस्वर्णीय जवाब बन गया। उसने जवाब दिया, जब मैंने मेरी ये मुट्ठी खोली, जब मैंने मेरी ये मुट्ठी खोली, मेरा ये मानना है कि शहद की मक्खी को खुद भी नहीं पता था कि वो उड़ सकती है, जैसे यहां बैठे लोगों को नहीं मालूम कि वो कितनी लंबी उड़ान ले सकते हैं। सिर्फ समय खराब कर रहे हो। झूठा घमंड साला ऐसा है, बड़ा गर्व कर गया जिंदगी का, ना साले छकल छोड़ी ना कल छोड़ी, बकवास बांधी हार हार गया, छुड़े जा रहे हैं और अपना कुछ भी नहीं मालूम है, कहीं अटक गए तो 8 घंटे के अंदर टूटे मेरे भी नशा चाहिए। 8 घंटे भी बहुत लंबे बताए मैंने तो सर जी, तो बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। नशेबाज को सब मालूम है, देखो दिक्कत भी कहां है, ये ऐसी भी खतरनाक बीमारी बनाई बनाने वाले ने, मालूम सब है, शुरुआत भी पता है, बीच का पार्ट भी पता है और अंत भी पता है, उसके बावजूद भिड़े हुए, देखो सब मालूम है उसको, घर जाते ही 5-4 घंटे बाद सब मालूम है, पैसा भी लग रहा है, किसी काम का भी नहीं रह रहा, हीरा भी बनता जा रहा, सब मालूम है, हर चीज हर व्यक्ति को मालूम है, उसके बावजूद नहीं निकलना, नहीं निकलना, दिल्ली करता, तेरे पूछ रहा हूं दिल्ली करता, दिल्ली करता रिकवरी माने को 2.5 करोड़ लोग क्लीन है बहन, जो दिल्ली के अंदर इतना मेंबर क्लीन, तो फिर मीटिंग करके मीटिंग में इतने क्लीन मेंबर।